जय जय माता दी मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सही सत्य और प्रमाणित प्रयोगों को बताया जाता है। आज मैं आपको ऐसा दिव्य प्रयोग बताऊंगा और ऐसा प्रमाणित उपाय बताऊंगा जिस नियम को पालन करने के बाद आप एक दूसरे के अंतरात्मा को देखिए। कोई भी प्यार या फिर कोई भी रिलेशन सबसे पहले उत्पन्न कहाँ से होता है, उसका जड़ कहाँ से है, इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले दो आत्माओं, दो मन का मिलन होता है, एक दूसरे का मन मिलता है, एक दूसरे की आत्मा में संबंध बनता है, जिसे आत्मिक संबंध अक्सर आपने सुना होगा इस शब्दों को, मन का मिलना। तब जाके कोई व्यक्ति रिलेशन में आता है, साथी बनता है, जीवन साथी बनता है, प्रेमी प्रेमिका बनता है। तो सबसे पहले वही चीज़ है, जो हो उसे पहले जान लो। आप हो सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर, मन शरीर, उससे भी परे सूक्ष्म शरीर, तो उस सूक्ष्म शरीर को छुओ, अपने प्रेमी प्रेमिका के अंतरात्मा को छुओ। छूने का अर्थ यह है कि जब आप एक प्रेम भरे और एक समर्पण भरे, एक विश्वास भरे, या फिर आप यूँ समझ लीजिए सत्य समर्पण, इन सब चीज़ों के साथ किसी के भी साथ अगर संबंध स्थापित करेंगे, तो मैं प्रमाणित करके गारंटी करके देता हूँ कि वह रिश्ता आपका जीवन भर चलेगा, कभी छूटेगा भी नहीं। क्योंकि इन सब चीज़ों से आप संबंध को इस तरह से छू लेंगे कि व्यक्ति के डायरेक्ट अंतरात्मा को आप टच कर लेंगे, उसके मन को आप अपना बना लेंगे। और जब ये चीज़ें आप उसका जीत लेते हैं, मन को, अंतरात्मा को, तो यकीन मानिए व्यक्ति हमेशा के लिए आपके लिए समर्पित हो जाता है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कैसे भी स्थिति हो, आपको छोड़ेगा नहीं, ना ही आपका साथ छोड़ेगा। और प्यार में हमेशा याद रखिएगा, इन सब चीज़ों के साथ होता है संभोग। अक्सर लोग काम वासना को गलत समझते, गलत है। कहाँ पे है? जब आप इसे अपने साथी के परे किसी और के साथ सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तब काम वासना आपके रिश्तों को और अंतरात्मा को जोड़ने के लिए अहम कड़ी होती है। इसके बिना कोई भी रिश्ता गहरा नहीं हो सकता, यह नेचुरल है, नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। लेकिन जो साथी है उसके साथ नेचुरल है, नैसर्गिक है। गलत तो तब है जब व्यक्ति इससे परे जाता है, अर्थात तरह तरह के ख्याल विचार किसी दूसरे के लिए मन में भाव में लाता है और उन क्रियाओं को करता है, तब वह आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो जाता है। आप सिर्फ सब चीज़ जो भी सोचे एक के लिए सोचे, हर चीज़ उससे मिली।